सभी को नमस्कार वेलकम टू तो एस झारखंड आज का ये जो वीडियो है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो हमारे राज्य के लिए बहुत ही जाने जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा झारखंड राज्य उनको भूल गया है उनकी उपलब्धियों को भूल गया है तो चलिए इस महापुरुष के बारे में जानते हैं कौन थे ये महापुरुष और क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ थीं आज भी हमारे झारखंड राज्य में या हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेजों के चश्मे से ही हमारे राज्य को देखा करते हैं और यही वजह है कि जो हमारा झारखंड राज्य है आज भी इसको पूरे देश में पिछड़े राज्य के नाम से संबोधित करके बुलाया जाता है और जो यहाँ के आदिवासी हैं और आदिवासी के आदिवासियों का जो संरक्षण है वो करने के लिए ही हम इस झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था और 15 नवंबर 2000 को इसे बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था ताकि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं और जो उनकी आदिवासियत है उनको बचाया जा सके उनको आगे बढ़ाया जा सके उनका उत्थान हो सके लेकिन आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं इस कार्य में हमारा झारखंड राज्य पीछे रह गया है और जो इसका मेन मोटिव था बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बनाने का वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है तो ऐसे हमारे राज्य में बहुत से हमारे महापुरुष आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा खुला बिसरा एक हीरो है एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिनका नाम है कार्तिक उरांव जी जिसे प्यार से लोग कार्तिक बाबा के नाम से भी जानते हैं ऐसे तो उनके और भी बहुत नाम हैं जिन जिनका मैं आगे चर्चा जरूर करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड राज्य का निर्माण खास करके यहाँ के खनिज संपदा और यहाँ के आदिवासी लोगों के लिए ही किया गया था ताकि उनका उत्थान हो सके लेकिन जब आप बोल सकते हो कि सड़क से सदन तक इसकी चर्चा बहुत ही ज्यादा हुई और जब हमारा देश आजाद हुआ था उन्नीस में तब से ही झारखंड अल... राज्य अलग करने की मांग उठ रही थी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स और ऐसे ऐसे राजनेताएं जो झारखंड में पैदा हुए हैं उन्होंने इसके पीछे बहुत कसमकस और बहुत मेहनत की लेकिन कहीं ना कहीं ये सफलता नहीं मिल पा रही थी और बहुत समय के बाद सफलता तो मिली लेकिन जो आदिवासी और आदिवासी लोगों की जो खासियत है जो खास करके जिस पर ध्यान देना चाहिए था उस पर फोकस नहीं रहा और आज भी झारखंड राज्य पिछड़े राज्यों में गिनती सुमार है ये बहुत ही एक बोल सकते हो कि थोड़ी खराब बात है हमारे राज्य के लिए चलिए तो मैं कार्तिक उराव या कार्तिक बाबा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं तो उनके जीवनी के सबसे स्टार्टिंग के पल के बारे में कुछ जान लेते हैं तो सबसे पहले मैं अगर इनकी बात करूंगा इनके जन्म का तो इनका जो जन्म है वह 29 अक्टूबर 1924 को हमारे राज्य के गुमला जिले में रायडी प्रखंड में आपको लिट्टा टोली करौंद गांव में हुआ था इनके पिता का नाम जोरा उराव और माता का नाम बिरसो उराव था इनका जो नाम था कार्तिक उराव वो किस चीज़ पर पड़ा आप सभी को पता है हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर में एक, एक मतलब हिंदी जो कैलेंडर होता है उसमें आपको कार्तिक महीना आता है तो ये कार्तिक महीने में ही इनका जन्म होने के कारण इनका नाम कार्तिक उराव पड़ गया इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के खोरा जामटोली स्कूल में हुआ उसके बाद दसवीं यानी कि मैट्रिक की जो इनकी पढ़ाई थी वो गुमला हाई स्कूल में उन्नीस ईस्वी में पूरी की उसके बाद इन्होंने बारहवीं की पढ़ाई यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज से उन्नीस में की ऐसा बोला जाता है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और इसी कारण से वह केवल ऐसी किताबों को नहीं पढ़ते थे जिससे उनको सीख मिल सके बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक किताबों को भी पढ़ते थे और उनमें से ही एक रामायण वो पढ़ा करते थे और ऐसा बोला जाता है कि वह जब रामायण पढ़ते थे तो वह एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते थे और वहीं पर पढ़ वहीं पर बैठ रामायण बड़े ध्यान से और मगन से पढ़ा करते थे क्योंकि वह चाहते थे कि जब वो रामायण पढ़े तो कोई उन्हें किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करे तो उनका पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मगन था और लगन था तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बारहवीं की पढ़ाई अपनी पटना साइंस कॉलेज से की उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जो तो उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसे आज के समय में एनआईटी पटना यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के नाम से आप जानते हो तो उसी में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो बिहार सिंचाई विभाग में और एक सरकारी कर्मचारी के हिसाब से लग गए फिर उन्हें अमेरिका ब्रिटेन ये सब बड़े बड़े देशों में जाने का मौका मिला जहां पर जाकर उन्होंने ऐसी ऐसी डिग्रियां हासिल की जो उस समय के लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही कम लोगों को मौका मिल पाता था अपने हुनर को जाकर दूसरे देशों में दिखाने का उस समय में चलिए तो मैं वहाँ पर जो इन्होंने पढ़ाई की उसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत सी डिग्रियाँ हासिल की और और एक डिग्री बैरिस्ट्री की यानी कि लॉ की भी डिग्री उन्होंने लंदन से हासिल की फिर उन्होंने लंदन के एक कंपनी जिसका नाम था डिज़ाइन रिटेलर ट्विस्ट ट्रिल रीडेवलपमेंट कंपनी उसमें उन्होंने काम किया और उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी ईडी बालगर एंड सन्स लिमिटेड में भी काम किया और इसी तरीके और भी अन्य कंपनियों में उन्हें लगातार काम करते चले गए और बड़े बड़े पद उन्हें हासिल होते चले गए और इसी तरीके का एक ब्रिटिश रेलवे एंड ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसमें भी उन्होंने अपना योगदान बहुत ही ज्यादा दिया अच्छा 1959 का वह साल था जब उस समय का सबसे बड़ा एटॉमिक प्लांट हिंकले एटॉमिक पावर प्लांट जो आपको ब्रिटेन के समरसेट में स्थित था वहां पर वहाँ का जो डिजाइन था या वहाँ का जो फ्रेमवर्क था बोल सकते हो उसको बनाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि उस समय में हमारे झारखंड जैसे छोटे से प्रदेश से निकलकर एक इतना बड़ा इंसान एक महापुरुष एक इंजीनियर आप बोल सकते हो उस समय पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा मुश्किल थी और बहुत ही गिने चुने लोग कर पाते थे तो कार्तिक उरांव या कार्तिक बाबा ने वो करके दिखाया और विदेश में जाकर उन्होंने इतने बड़े पावर प्लांट का फ्रेमवर्क तैयार किया तो इसके लिए भी जो विदेश के लोग हैं वो इनके बिल्कुल आप बोल सकते हो कि कायल थे चलिए अब बात करते हैं वहां पर उन्होंने नौ वर्ष तक विदेश में नौ वर्ष तक अपना योगदान दूसरे दूसरे शहरों में दूसरे दूसरे सिटीज में जाकर अपना योगदान दिया डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में उन्होंने काम किया लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनके कहने पर वह अपने देश लौट आए और नौ साल का विदेश प्रवास के बाद वह अपने देश लौटे और उसके बाद उन्होंने रांची के ध्रुआ में स्थित है आप सभी को पता है कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि एच में उन्होंने काम करना शुरू किया और वहाँ पर वो सबसे पहले सुपरिनटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर उन्हें पोजीशन मिला और उसके बाद फिर उनका प्रोमोशन हो गया यानी कि प्रोन्नति हो गई जिसके बाद वो डिप्यूटी चीफ इंजीनियर डिजाइनर के पद पर प्रोन्नति मिलकर आ गए जो कि एक बहुत ही बड़ा पद होता है मैं आपको बता दूं कि इन सब की डिग्रियों के हासिल करने के बाद और ये सब बड़े बड़े जो ऑफिस हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें तो उनमें काम करने का उनका बहुत ही ज़्यादा लगन था ही लेकिन खास करके उस समय में जो आदिवासी समाज था जो हमारे आदिवासी लोग थे उनके बारे में भी कहीं ना कहीं वो कुछ करना चाहते थे और इसी कारण से जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर ही वह राजनीति में अपना कदम रखने के लिए आ गए और राजनीति में धीरे धीरे वो सक्रिय होने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जब यहाँ के आदिवासियों की हालत देखी कि बहुत ही बहुत ही बुरे कंडीशन में आदिवासी लोग रहते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई भी कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे है हर तरीके से आप बोल सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन था तो उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं आज से खास करके दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके के जो आदिवासी हैं उनके लिए तो जरूर कुछ ना करूंगा तो इस कारण से जब वह हमारे राजनीति में सक्रिय हुए तो उन्होंने उन्नीस ईस्वी तो में सबसे पहले लोहरदगा के निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से किसी कारण से वो हार गए लेकिन हार जरूर गए दोस्तों लेकिन वो एक सभी को पता है कि वो एक बहुत ही दृढ़ संकल्पी और एक बहुत बड़े महापुरुष थे तो उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से अपना मेहनत किया उस क्षेत्र में आदिवासी लोगों से बातें की और बहुत से उनके लिए कुछ काम किए और जिसके बाद उन्नीस ईस्वी में जब उन्होंने फिर से निर्वाचन क्षेत्र में कदम लिया और फिर से उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो वह इस बार लोकसभा की सीट से जीत हासिल की और इसी तरीके से उन्नीस सौ इकहत्तर ईस्वी में भी और उन्नीस सौ अस्सी ईस्वी में भी उन्होंने लोकसभा की सीट पर जीत हासिल की और इसी तरीके से एक बार उन्होंने विधानसभा क्षेत्र विष्णुपुर के विधानसभा क्षेत्र से भी एक बार उन्होंने विधायक विधायक का पद संभाला था तो इस तरीके से वो राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय होने लगे और आप सभी को पता है कि जब अलग झारखंड की मांग उठ रही थी तो बहुत से बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे तो उसमें कहीं ना कहीं कार्तिक को राव जी का भी बहुत ही बड़ा हाथ था बहुत ही बड़ा उनका योगदान था लेकिन वो सामने से बहुत ही ज्यादा इसके प्रति आते नहीं थे बहुत ही ज्यादा बोलते नहीं थे लेकिन वो इसके लिए बहुत ही कार्य करते थे और एक बार की बात है जब उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक का भी उन्हें ऑफर मिला लेकिन उनकी सोच अलग थी वो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं किसी बड़े पद पर जाऊं तभी कुछ करूंगा उनका यही सोच था कि मैं किसी पद पर भी रहूं लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूंगा और यहाँ उनकी जो स्थिति है जो बदहाल स्थिति है उसको मैं जरूर सुधार करूंगा और उत्थान करूंगा <coughs> चलिए अब मैं उनके और कुछ कार्यों के बारे में आपको बताता हूं। तो साल 1961 का वो समय था जब उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल यानी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यह एक तरीके का यह एक तरीके का गैर सरकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर का है और आज के समय में यह इंडिया के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर आदिवासियों के लिए बहुत तरीके की कार्य करता है और उनके उत्थान की बात करता है और उसी उनके उनके जो सफर था उसी बीच उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब की रचना कर डाली जिसका नाम था बीस वर्ष की काली रात और यह जो किताब था यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ गया और बहुत ही ज्यादा बिकने लगा लोगों में और इसमें जो खास कर जो इन्होंने चर्चा की थी वह आदिवासी लोगों की व्यथा और उनका समाधान कैसे हो सकता है इस पर ही इनका मेन फोकस था तो कभी आपको मौका मिले तो यह किताब को एक बार जरूर पढ़ें और उनकी जो बातें थी उनकी जो सोच थी वह एक बार आप जानें उससे आपको जरूर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा अच्छा एक समय की दोस्तों बात थी जब बहुत ही ज्यादा आप सभी को पता है कि हमारे झारखंड राज्य में जो आदिवासी लोग थे उनका धर्मांतरण हो रहा था वो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे और कहीं ना कहीं इस चीज के इस चीज को लेकर कार्तिक और राव जी के मन में बहुत ही शंका उठी और उन्होंने इस चीज को लेकर संसद तक चले गए और वहां पर भी बहुत ही ज्यादा इसके खिलाफ आवाज उठाई कि कहीं ना कहीं जबरदस्ती तरीके से या किसी और तरीके से भी जो यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसके लिए भी बहुत सारे विधेयक पास हुए विधेयक लाए गए लेकिन कहीं ना कहीं वो संपूर्ण तरीके से बहुमत तरीके से वो किसी कारण से अटक गया और जब किसी तरीके से जब सरकार बदल गई तो यह फंसा रह गया और आज तक इस पर कुछ कुछ नहीं हो पाया है और अभी भी यह कार्य चलता जा रहा है चलिए अब मैं बात करता हूं आपको इंदिरा गांधी से भी इनका बहुत ही ज्यादा लगाव था मतलब इंदिरा गांधी जो थी वो इनको बहुत ही मानती थी और इनके जो सोच थी उसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इनका उनका मार्गदर्शन करने के लिए वो हर तरीके से शामिल रहती थी और वो कार्तिक और राव जी इंदिरा गांधी को बहुत सी बातें ऐसी बताते थे जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं प्रगति का कार्य करे तो जो ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं जरूरी जो मसले होते हैं उस पर इंदिरा गांधी जी कार्तिक उराव से जरूर सलाह मशौरा एक बार कर लेती थी और उनका जो मंत्रिमंडल था इंदिरा गांधी का जो सरकार था उसमें एक बार यह उड्डयन एवं संचार मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं एक बार की 1970 के आसपास की दोस्तों बात है जब सब एक प्रतिष्ठित समाचार आप सभी को पता है आज के समय में भी चलता है द हिंदू न्यूज़पेपर तो उस समय का और अभी के समय का भी वो बहुत ही प्रतिष्ठित एक बहुत ही रेनोन आपका पत्र पत्रा न्यूज़पेपर है तो उसमें ऐसा एक आर्टिकल छपा था जिसका हेडलाइन ये था कि एक आदिवासी जो सांसद में बैठकर बाघ की तरह धाड़ता है तो दोस्तों वो बात कर रहा था हमारे कार्तिक और बाबा की और आप सभी को पता है कि इन्हें ब्लैक डायमंड या काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जैसा आप जानते हो कि कोयले के खदान से ही हीरे की खोज होती है उसी तरीके से हमारे झारखंड के एक छोटे से राज्य से यह जो महापुरुष था उसका उद्गम हुआ और उन्होंने जन्म लेकर हमारे राज्य के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किए जो इतने ज्यादा वो आदिवासियों के लिए कार्य करते थे और दूसरे दूसरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क को भी वो बहुत ही ज्यादा देखते थे इस कारण से लोग उन्हें पंख राज साहेब के नाम से भी बुलाया करते थे और इसी प्रकार दोस्तों उनके और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे नाम लोगों द्वारा रखे गए थे अच्छा 1960 के आसपास से जब भूदान भूदान आंदोलन बहुत पहले से ही चला आ रहा था तब आप सभी को पता है कि उस समय जो यहाँ के आदिवासी लोग थे उनकी जमीन लूट रही थी और बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे वो भूमिहीन हो रहे थे तो उस समय कार्तिक उरांव जी ने इस पर भी बहुत ही ज्यादा अपना संज्ञान लिया और जाकर सरकार से बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आदिवासी लोगों के लिए आप सभी को पता है कि जल जंगल जमीन ही सब कुछ है वह यहीं पर पैदा होते हैं और इसी पर्यावरण में रहकर इसी जंगलों में रहकर अपना पूरी अपनी जिंदगी बिता देते हैं और इसी से अपना सारा अपनी जो दिनचर्या कार्य है वो उसी पर वो निर्भर रहते हैं अगर उनके पास जमीन ही नहीं रहेगी जंगल ही नहीं रहेगा तो वो आखिर क्या करेंगे खेती बाड़ी कहाँ करेंगे अपने पशुओं को कहाँ चराएंगे आखिर वो कहाँ जाएंगे तो इस कारण से उन्होंने सरकार से इस बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा की और जितने भी जो आदिवासी लोग थे जिनकी भूमि छिन जाने की आशंका हो रही थी या फिर उनकी जमीन लूटे जा रहे थे बड़े बड़े जात के लोगों के द्वारा तो उन्होंने इस पर जाकर चर्चा की और यह उसको बचाया तो आप समझ सकते हो कि ऐसे महापुरुष जो हर तरीके से मतलब केवल एजुकेशन में ही नहीं राजनीति में ही नहीं बल्कि सोशल वर्क और हर तरीके का वो काम किया हमारे राज्य के लिए हमारे देश के लिए हमारे राज्य में आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े ट्राइबल लीडर्स खास करके आपको भगवान बिरसा के बारे में बात करूंगा फिर आपको तिलका माझी के बात करूंगा फिर मैं बात करूंगा सिद्धो कानू और फूलो के बारे में तो ऐसे बहुत से आपको ट्राइबल लीडर्स के जो योगदान वो हमारे झारखंड राज्य में देखने को मिलता है चर्चा होती है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे महापुरुष और संकल्पी जो उरावजी थी, उनके बारे में चर्चा बहुत आज की जो सरकार है उसके वो भी कहीं ना कहीं कार्तिक और जी के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा नहीं करती है तो ऐसे विद्वान और ऐसे दूरदर्शी इंसान के बारे में अगर हमारे राज्य में चर्चा नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा झारखंड राज्य के जो नेता हैं वह इनको पूरी तरीके से भुला चुके हैं क्योंकि आज के समय में इनके नाम पर किसी तरीके की कोई योजना भी नहीं चालू की गई है हाँ बस एक गुमला गुमला जिले में एक कॉलेज इनके नाम पर कार्तिक और कॉलेज जरूर शुरुआत किया गया है बाकी इनकी चर्चा और भी कहीं नहीं होती है लेकिन इनके जो योगदान थे महत्वपूर्ण योगदान वो भूला नहीं जा सकता है आज के समय में जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार यहाँ पर बनी हुई है उसका चौथा वर्ष खत्म होने वाला है लेकिन आज के समय में कार्तिक उरांव या कार्तिक बाबा की प्रतिमा पर मूर्ति पर केवल उनकी पुण्यतिथि पर जाकर पूजा करने या माला चढ़ाने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अन्य कार्य किया गया है जहां तक कि आप समझ सकते हो कि जो इनका गांव है लिट्टा टोली गुमला में रायडी प्रखंड में वो भी आज के समय में बहुत ही ज्यादा पिछड़ा है और वहां पर भी बहुत ज्यादा किसी तरीके का कोई कार्य या उन्नति कार्य आप बोल सकते हो वो नहीं करा गया है सड़कें आप देख सकते हो वहां की आज भी पूरी तरीके से बनी हुई नहीं है और उबड़ खाबड़ रोड ही आपको देखने को वहां मिलेंगे तो दोस्तों अगर हमारे झारखंड राज्य को अगर उत्थान की तरफ पहुंचाना है बहुत ही एक डेवलप्ड स्टेट्स में आपको नाम देना है क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ खनिज संपदा तो बहुत ही ज्यादा है तो आखिर क्यों नहीं डेवलप्ड कर रहा है हमारा राज्य तो इस कारण से अगर हमारे राज्य को आगे बढ़ाना है तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा और इस चीज को प्रतिपादित करना होगा क्योंकि इसी से हमारा राज्य उत्थान कर सकता है और इस सब का मिश्रण जो है वो हमारे कार्तिक और बाबा में आपको देखने को जरूर मिलेगा और इसी कारण से मेरा मानना है कि उनके जो सिद्धांत हैं उनके जो मार्गदर्शन है उस पर चलना चाहिए हमारे झारखंड सरकार को और वो वो जो जो, जो चीजें उनके द्वारा बोली गई हैं जो जो चीजें उनके द्वारा बताई गई हैं उसके बारे में जरूर चर्चा हो और लोगों को स्टूडेंट्स को उनके बारे में बताया जाए उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाए और कुछ योजना उनके ऊपर चलाया जाए तभी कुछ यहाँ के लोगों को उनके बारे में पता चलेगा क्योंकि आप बोल सकते हो कि हमारे राज्य के ही नहीं हमारे देश के एक अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में बहुत ही कम चर्चा की जाती है इसलिए मैंने यह उनके बारे में चर्चा करना बहुत ही विशेष समझा तो यह जो इतने अच्छे एक सच्चे कर्तव्य निष्ठ आप बोल सकते हो महापुरुष थे उनका देहांत 8 दिसंबर को उन्नीस ईस्वी में दिल्ली में हो गया और उन्हें उसी के साथ एक जो इतना समय काल था उनका वह समाप्त हो गया तो और आज के समय में उनकी जो बेटी है गीताश्री उरांव और उनके जो दामाद हैं अरुण उरांव वो हमारे झारखंड के राजनीति में सक्रिय हैं तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था और कार्तिक उराव बाबा के बारे में मैंने कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जितने भी जरूरी तथ्य थे वो आपके सामने लाकर रख सकूं और उनके विचारों को प्रकट कर सकूं तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहें एस झारखंड क्लास से सभी को धन्यवाद जय हिंद